हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फॉल अरेस्टर कितना तरह का होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं और इसको जो आपका कितना मीटर का लेंथ होता है। तो काफ़ी सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है केम अरिजीत और आप देख रहे हैं बिग बॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये आखिर फॉल अरेस्टर जो होता है ये आखिर कितना तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉल अरेस्टर जो होता है ये दो तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, एक नंबर में जो होता है ये रूप ग्राफ फॉल अरेस्टर होता है और दूसरा जो होता है वो आपका होता है रिट्रैक्ट ट्रेवल फॉल अरेस्टर। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रूप ग्राफ फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये आप देख सकते हैं, जब भी आप मतलब वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में सीढ़ी में जब आप चढ़ते हैं तो उसमें एक रस्सी लगा रहता है, तो उस रस्सी में वहाँ पर आपका जो फॉल अरेस्टर होता है, ठीक है, तो फॉल अरेस्टर को आपको वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं रिट्रैक्ट ट्रेवल फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो कभी भी अगर आप ऊँचाई में काम करते हैं, जैसे कि आपका जो लाइफ लाइन में लगा रहता है, आपका फॉल अरेस्टर को लाइफ लाइन में लगाना पड़ेगा, या फिर जैसे कभी भी अगर ज़्यादा ऊंचाई में काम करते हैं या फिर आप एक जगह में फिक्स है, वहाँ से थोड़ा सा इधर उधर आपका जॉब पड़ेगा, एक डेढ़ मीटर दो मीटर तक इधर उधर आप जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका फॉल अरेस्टर का जॉब यहाँ पर लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी ऊपर में यहाँ जॉब कर रहा है, तो इस टाइप का जो जॉब होगा वहाँ पर आपका रिट्रैक्ट ट्रेवल फॉल अरेस्टर का वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, एक जगह में ये लगा रहेगा, आप इधर उधर यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं ये आखिर कितना मीटर का लेंथ होता है। तो इसका जो लेंथ होता है ज़्यादातर ये 6 से 8 मीटर का होता है और इसका जो वेट कैपेसिटी होता है वो 120 kg से 130 kg तक ये आपका लोड ले लेगा। मतलब यहाँ पर इसका जो सिस्टम है, देखिए इसको क्यों लगाया जाता है, तो कभी भी अगर आप काम कर रहे हैं बाई चांस कुछ स्लिप हो जाता है, कुछ हो जाता है, मान के चलिए आप गिरने वाले हैं या फिर झटका मारते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है रोप ग्राफ जो फॉल अरेस्टर होता है, तो उसमें भी वही सेम काम करता है, जब आप सीढ़ी में चढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अगर बाई चांस पैर स्लिप हो गया या कुछ हो गया तो उसमें भी जो है वो लॉक हो जाएगा। तो दोनों का काम है लॉक हो जाना है, मतलब इसको जो है कभी भी झटका मारता है तो ये दोनों ही एक ही तरह के काम करेगा, ये लॉक हो जाता है, मेरा जो कहने का मतलब है, और आपको गिरने से बचा देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो को दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।